आज की इस वीडियो को टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, मीन्स समय और कार्य पढ़ाऊंगा। जिन लोगों ने मेरी मैथ प्लानिंग शेड्यूल की वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया कि मैं आपको कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस वीडियो की लेंथ थोड़ी हो सकती है, लेकिन मैं आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को दूंगा। चलिए शुरू किए। शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको सवाल समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए शुरू कीजिए। जैसे अगर मैं मान लो कोई कार है, मीन्स अगर ये कोई कार है, एनी वर्क, अगर इस कार में कोई व्यक्ति लगा दिया है और इस व्यक्ति का नाम मैं दे रहा हूं ए दे रहा हूं, अगर ये इससे करा है तो ये इस कार्य को कितने दिन करने के लिए कह रहा है? 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम मैं दे रहा हूं क्या? बी। अगर यही काम मैं बी से कर रहा हूं तो ये इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। जो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर इस कार्य में दोनों साथ साथ मिलकर करें तो ये कार्य कितने दिन में होगा? सिंगल सिंगल तो पता है, अगर ये कार्य मैं ए से कर रहा हूं तो 10 दिन में ये पूरा कर लेगा, अगर यही काम मैं बी से कर रहा हूं तो ये पूरा कितने दिन कर लेगा? ये 20 दिन में कर लेगा। तो हमसे ये जानना चाहते हैं कि अगर इस कार्य में दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करें तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ए है कितने दिन में कर रही है, और हम लोग इसी मेथड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चन में लगभग। यहां से बी है और उसी कार्य को कितने दिन करने के लिए कर रही है? 20 दिन में। तो सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम हमारा कितना आएगा? ये अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को रिजेक्ट करती है तो बड़ी संख्या इसका एलसीएम आ जाता है। जिनको एलसीएम नहीं लेना आता है तो मेरी एक अलग से वीडियो बनी है एलसीएम की, मैं उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बहुत ही फास्ट है। तो इसका एलसीएम कितना गया हमारा? 20 आ गया। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो हमको पता चले इसके अंदर कितना कार्य, टोटल कार्य कितना है? ये 20 कार्य है इसके अंदर, टोटल कार्य। तभी तो अगर टोटल कार्य देखिए, यहां से लोग इससे भाग देंगे, एलसीएम लेने के बाद हम लोग इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 दूना 20 हो जाएगा, और इससे भागने कितनी बार जाएगी? 20 एक 20। ऐसा करने के बाद ए का जो एक दिन कार्य कितना गया? 2 आ गया, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तभी तो जो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 20 काम है, तभी तो इसे 10 दिन लगते थे कि नहीं लगते थे? जो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तभी तो 20 काम, इसे 20 दिन लगे कि नहीं लगे? तो पूछा है दोनों मिलकर ना, तो हम लोग दोनों का यहाँ पे कार्य मिलाया जाए, अगर दोनों का कार्य मिलाए दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, करना कितना है? 20। तो आप इससे इसमें भाग दे दीजिए तो 3 6 18 हो गया, और बचा कितना? 2 बच गया। 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, हम लोग इसकी इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या गया? आंसर आ गया। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन करेंगे? 6 सही 2/3 दिन में करेंगे। चलिए क्वेश्चन अब इस पे देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमसे ये जानना चाहते हैं। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, इस बार हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ए है 36 दिन में कर रहा है, और जो बी है ये 12 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 36 का एलसीएम हमारा 36 आएगा। जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैंने आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मेरी अलग से वीडियो बनी है एलसीएम की, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। तो 36 से कम 36 हो गया, और 12 3 36। ऐसा करने के बाद दोनों, ये क्या, ए का एक दिन कार्य कितना? 1 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों का यहाँ पे कार्य मिलाया तो कितना हो जाइए? 4 काम करेंगे मिलकर एक दिन में, करना कितना है? 36। तो आप इससे भाग दे दिए तो 4 9 कितना ये? 36। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे? ये 9 दिन में समाप्त करेंगे। ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या सही है। मैं एक बार एक क्वेश्चन इस पे और सॉल्व करा देना चाहता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये SSC MTS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमसे ये जानना चाहते हैं। तो हम लोग सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ये ए है कितने दिन में कर रही है? 5 दिन में कर रहा है, और ये जो बी है कितने दिन में कर रहा है उसी कार्य को? 4 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम हमारा कितना आएगा? 20 आएगा। तो यहां से भाग देंगे 5 को, 20 हो जाएगा, और इससे भाग देंगे इससे 4 5 20। तो देखिए दोनों मिलकर पूछा ना, दोनों का अगर यहाँ पे कार्य मिलाया तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें? 9 काम, करना कितना है? 20। तो आप इससे भाग दे दीजिए तो 9 दुना कितना जाइए? 9 दुना 18 हो जाएगा, और बचा कितना? 2।
डोमिनो से भाग जाएगी क्या? नहीं जाएगी, तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समाप्त करेंगे? 2 सही 2/9 दिन में करेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ 2017 में आया हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ जो डबल व्यक्ति वाले, दो व्यक्ति वाले हैं, मीन्स ए और बी हैं, इनसे जो भी कंडीशन वाले सवाल बन सकते हैं मैं आपको सब कुछ इसमें बताना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य का आधा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं। मैं आपको फिगर द्वारा ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये कोई कार्य है, मीन्स एनी वर्क है, अगर इस कार्य को किससे कर ए से कराया जाए तो ये कितने दिन में करेगा, ये 20 दिन में समाप्त कर लेगा। अगर दोनों मिलके करें तो इस कार्य को कितने दिन में कर ले, ये लोग 15 दिन में कर ले रहे हैं, दोनों मिलके करें तो इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ए प्लस बी यानी 15 दिन में ये लोग कर लेंगे। तो हमसे ये जानना चाहते हैं कि अगर इस कार्य, ये जो कार्य है टोटल कार्य, अगर मैं किसके द्वारा कराऊं, बी अकेला इस कार्य को करे, तो इसे कितने दिन का समय लगेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं। हमको तो सिंगल पता है ए 20 दिन लेगा, लेकिन हमसे सिंगल में ये जानना चाहते हैं कि बी इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं। तो मैंने तो ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप फिगर को नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ए जो है कितना दिन ले रहा है, ये 20 दिन ले रहा है, और जो ए प्लस बी मिलकर उससे कितना दिन ले रही है, ये लोग 15 दिन। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम देखिए, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी, 5 3 15 20 3 कितना, ये 60 हो गया। एलसीएम लेने का इससे इसमें भाग देते हैं तो 20 3 कितना, ये 20 3 60 हो जाएगा, और ये 15 4 कितना, ये 60 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए ए कितना काम कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है, सी ये 3 काम कर रहा है एक दिन में, और दोनों मिलके कितना काम करें, 4 काम करें। तो अगर ए का इसमें काम 3, दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, एक खुद कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो क्या जोड़ा गया होगा इसमें 4 मिल जाए। दो तरीके आपके पास है, पहला तरीका ये आप जाकर 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हमको पता चले 1 मिल जाएगा, ये दूसरा तरीका ये कि इसमें क्या जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया कि नहीं। अब हमको ये पता चल गया कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो पूछा कि बी अकेला उस कार्य का आधा भाग, अगर ये टोटल मीन्स कि अपने आप पे 100% होगा तो इसका आधा भाग ना, आधा भाग मतलब कितना, इसका आधा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इस 30 काम को करने में बी कितना दिन लेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो आप इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो बी द्वारा, ये बी द्वारा कितना चाहिए, तो ये हमारा कितना चाहिए, 30 दिन, यानी बी उस काम का आधा कार्य करने में कितना दिन लेगा, ये 30 दिन लेगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं। देखिए ए और ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, हम लोग उसी फॉर्मेट से ही लगाएंगे इसको, और जो बी है उसी कार्य कितने दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों के एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 10 15, 5 दुना 10 हो जाएगा, 15 दुना कितना, ये 30 हो जाएगा। तो एलसीएम इनका कितना गया, 30 आ गया, तो इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे कितना, 10 3 30 हो जाएगा, और इससे भाग देंगे 15 दुना, ये 30 हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने कहा क्या कि दोनों मिलकर एक साथ क्या कर रहे हैं, काम करना शुरू करते हैं, और 5 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब ये कंफर्म है कि दोनों ने क्या किया, मिलकर साथ साथ कितने दिन तक कार्य किया, ये 5 दिन तक कार्य किया, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 3 2 5, 5 काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक साथ साथ किए लोग, 5 दिन तक, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 25 काम करेंगे ये लोग, तो 25 ये आपका टोटल कार्य है, ये आपका क्या है, टोटल कार्य है, तो इसमें से घटा दीजिए 25, तो हमारा बचा कितना, 5। अब यही तो शेष कार्य बचाइए, ये शेष कार्य आपका बच गया। अब इसके बाद हुआ क्या कि बी ने कार्य छोड़ दिया, बी कार्य छोड़ के चला गया, तो कार्य में भी लगा कौन है, ए लगा है, करना कितना है, 5 काम करना है, और एक दिन में कितना काम करा, 3 काम करा है, तो आप इससे इसमें भाग दे दिए तो आपको पता चल जाएगा, तो कितना, 3 1 3 हो जाएगा, और 3 1 3 2 बच गया, 2 में 3 से भाग जाए क्या, नहीं जाएगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका बी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। अगर कंडीशन ये पूछते हैं कि पूरा कार्य कितने दिन समाप्त हुआ, तो
तो हमारा आंसर ये नहीं आता, तब हमारा क्या था, जो 5 दिन तक कार्य हुआ कि नहीं, तब हम लोग उसको भी जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कुल समय कितना लगेगा, तो हमारा आंसर कुछ और आता, कुल समय बराबर, कंडीशन अगर रहती तो 5 1 2/3, तो हम लोग इसको क्या करते, ऐड कर लेते, तो कितना आ जाता, 6 सही 2/3 दिन आता, यानी कुल कार्य कितने दिन समाप्त हुआ, तब हमारा आंसर ये आता। लेकिन इन्होंने पूछा क्या कि शेष कार्य कितने दिन समाप्त हुआ, तब हमारा आंसर आपका ये आएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका बी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिनों के बाद ए कार्य क्या करता है, छोड़ देता है, शेष कार्य को बी 36 दिन में लगते हैं करने में, ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि शेष कार्य को ये क्या कर रहा है, बी 36 दिन में कर रहा है, ये थोड़ा सा आपका चेंज हो गया, लेकिन लगेगा उसी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। ए प्लस बी मिलकर इसे कितने दिन में कर रहा है, ये ए प्लस बी मिलकर इसे 30 दिन में कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, जो बी है शेष कार्य को क्या कर रही है, बी शेष कार्य को आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ ये 36 दिन में ये कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इनका इनका एलसीएम देखिए कितना आएगा, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, तो 6 5 35 हो जाएगा, 5 6 30, 5 3 15 3 18, इनका एलसीएम 180 आ जाएगा। अब यहां से लोग इसमें भाग देते हैं, तो यहां से कितना जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 6 18, अगर आप यहां से भाग दे देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि अगर ये शेष कार्य की बात हो रही है ना, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। देखिए 6 दिनों के बाद क्या उन्होंने कार्य मिलकर करना शुरू किए, ए और बी मिलकर साथ का साथ साथ कार्य कर रहे हैं, 6 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, अगर दोनों को देखा है तो एक दिन में कितना मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो और 6 दिन तक इन्होंने साथ साथ कार्य किया, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 6 6 36, अगर इसमें से 36 घटा लिया जाए तो यहां से जब घटाएंगे 144, अब देखिए ये आपका क्या बच गया, शेष कार्य बच गया, यही तो शेष कार्य बच गया 6 दिन के बाद। अब ये शेष कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में ये कर रहा है, अगर मैं इसे इसमें भाग दे दूं तो हमको ये पता चल जाएगा कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये पता चल जाएगा, आप इसमें भाग दे दीजिए तो 36 देखिए कितनी से कटेगा, 6 6 24, 4 6 24, 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा आपको 4, यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है, ये बी काम कर रहा है, यानी किसने किया, ये बी ने एक दिन में कितना काम किया, 4 काम कर रहा है। हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं बी एक दिन में कितना, 4 काम कर रहा है, तो हमसे ये जानना चाहते हैं कि ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन समाप्त करे, मतलब 180 जो कार्य है अगर ये टोटल कार्य मैं ऐसे कराऊं तो ये इसे कितने दिन समाप्त करेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं। देखिए दोनों मिलकर यहाँ पे 6 काम करें, जबकि बी का खुद कितना काम करा है, 4 काम करा, तो ए कितना काम करता है, आप यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 मिनट, यानी एक दिन में कितना काम करा है, 2 काम करा है, करना कितना है 180, तो आप भाग दे दीजिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए द्वारा संपूर्ण कार्य 180 है, तो आप 2 काम कर रहा है, तो 2 से इसमें भाग दे दिए तो कितना दिन लगे, इसे 90 दिन ये आपका लग जाएगा, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे फर्क क्या है, घंटे के सेंस में इन्होंने दे दिया है, घंटे के सेंस में लगेगा उसी फॉर्मेट उसी तरीके से, और ये क्वेश्चन आपको SSC सीजीएल 2018 में पूछा है, इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ। देखिए ए तथा बी मिलकर कृषि कार्य कितने 18 दिन में कर रहे हैं, मीन्स ए प्लस बी 18 घंटे में करें, सॉरी, और फिर क्या करें इसके बाद, तथा बचे हुए काम को क्या करते हैं, ये बी क्या करता है 36 घंटे में करता है, मीन्स बचे हुए का मतलब क्या, शेष कार्य को, जो बी है ये शेष कार्य को कितने कर रहा है, ये 36 घंटे में ये कर रहा है, तो आप यहाँ पे शेष लिख लीजिए ताकि आपको क्लियरली शेष की बात हो रही है। अब देखिए इनका एल्सियम कितना है, तो इनका एल्सियम आपका 36 आ जाएगा, इनका एल्सियम कितना आएगा 36 आएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो कितने 18 दुना 36, आप इससे इसमें भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये किसकी शेष की बात हो रही है ना। अब देखिए हम लोग करेंगे, उन्होंने मिलकर तो कार्य करना शुरू किया, 6 घंटे के बाद एक काम छोड़ दे रहा, मीन्स 6 घंटे तक तो दोनों साथ साथ मिलकर काम किए, और दोनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, अगर ये 2 काम करें तो 6 घंटे में कितना काम किएंगे, 12 काम किएंगे ये लोग, तो 12 ये आपका टोटल कार्य है, तो इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 24,
यही तो आपका शेष कार्य बच गया, ये शेष कार्य बच गया। अब शेष कार्य जो बी क्या कर रहा है, 36 घंटे में कर रहा था, अगर मैं इससे इसमें भाग दे दूं तो बी की कैपेसिटी पता चल गई 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। तो अब इससे भाग दे दीजिए तो कितना, ये 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 3 36, यानी इतना काम कौन कर रहा है, ये बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। मैं अब यहां पे लिख सकता हूं कितना, ये 2/3। तो हमसे ये जानना चाहते हैं कि ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं, मीन 36 काम करने में से कितना दिन लगेगा, हमसे ये जानना। तो हम सबसे पहले ए का काम निकालेंगे, देखिए दोनों मिलके कितना, 2 काम करें, जबकि बी कितना काम करा, 3 काम करा। अगर मैं यहां से इसको घटा दूं तो हमको पता चल जाएगा कि ए कितना काम करा 1 घंटे में, हमको ये पता चल जाएगा। तो आप घटा लीजिए, 2 - 2/3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी जब घटाएंगे तो 4/ कितना मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा। अब हमको पता चले ए कितना काम कर रहा है, ये 4/3 काम कर रहा है, करना कितना 100, सॉरी करना कितना 36 है। तो आप भाग दे दीजिए ए द्वारा संपूर्ण कार्य, कितना ये कार्य 36 है, तो आप भाग दे दीजिए 1 दिन में 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो आप इसमें भाग दे दीजिए तो 4 9 36 हो जाएगा और 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये जो संपूर्ण कार्य कितने घंटे में समाप्त करेगा, 27 घंटे में समाप्त करेगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी डबल व्यक्ति वाले से कंडीशन से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारा बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को कितने 12 दिन में पूरा कर सकता है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व क्या करता है, कार छोड़कर चला गया, तो उस कार्य को पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा। देखिए हम लोग लगाएंगे सेम उसी फॉर्मेट से, ए क्या कर रहा है, ये 18 दिन में कोई कार्य कर रहा है, और जो बी है उसे कार्य कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना है, तो मैं देख रहा हूँ यहां से दोनों का एलसीएम कितना है, 6 से ये भी कटा है, 6 से ये भी, 6 दूना 12 या 18 दूना कितना, ये 36, एलसीएम तो इनका 36 आ गया। हम लोग इससे भाग देते हैं तो 18 दूना कितना, ये 36 हो जाएगा, और इससे भागने कितनी बार, 12 3 36। अब देखिए ऐसा करने के बाद ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 2 काम कर रहा है, और जो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज है, क्या कर उन्होंने मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। अगर हम लोग मान ले कोई कार्य यहां से यहां तक रहा होगा, यहां से यहां तक कोई कार्य है कि नहीं है, अगर ये कोई कार्य है और ये कार्य का क्या हमारा प्रारंभ है और ये कार्य का क्या है ये अंत है, तो इन्होंने मिलकर यहां से ए प्लस बी मिलकर कार्य कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों मिलकर कार्य करते करते आए कि नहीं, जैसे कार्य समाप्त होने वाला है इससे 3 दिन पहले, जैसे ही कार्य क्या समाप्त होने वाला है या मीन्स जिसका कार्य का अंत होने वाला, इससे 3 दिन पहले कौन कार्य छोड़ के चला गया, बी कार्य छोड़कर चला गया, मतलब बी कार्य छोड़कर ये चला गया। तो ये कार्य कौन में, कार्य में अभी कौन लगा, ए लगा है कि नहीं लगा, ए कार्य में लगा है। अब देखिए हमको ये क्लियर होगा कि ये 3 दिन किसने कार्य किया, और हमसे ये 3 दिन किसने कार्य किया, ए ने किया कि नहीं किया, और हमसे ये जानना चाहते हैं कि ये कार्य पूरा कितने दिन समाप्त हुआ, हमसे यही जानना चाह रहे। तो एक बात क्लियर है कि ये 3 दिन ए ने कार्य किया कि नहीं किया, और ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 2 काम है, तो 3 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 3 दूना 6 काम किया कि नहीं किया। तो हम लोग यहाँ से 2 × 3 कर ले रहे हैं तो 3 दूना 6 आ जाएगा। अब देखिए यहां से जब हम लोग घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 30। तो कुल समय पूछा तो हम लोग समय यहाँ पे साइड में लिख ले लेते हैं, कुल समय 3 दिन आपका हो गया। तो यहां से जब हम लोग घटाएंगे तो यहां से मिल जाएगा इतना, मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, और ये 30 कार्य आपका बचा क्या, यहां से यहां आपका 30 कार्य बच गया। और इस कार्य को कौन कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे कि नहीं कर रहे, दोनों मिलकर करें इस कार्य को, तो यहाँ पे दोनों को मिलाए तो कितना मिल जाएगा, ये 1 दिन में दोनों मिलकर कितना 5 काम करे कि नहीं करे, करना कितना 30। तो आप इससे भाग दे दिए तो 5 6 कितना जगह 30 दिन, तो इस कार्य को समाप्त करने में 6 दिन लग गया, और इससे कार्य कर इस कार्य को समाप्त करने में 3 दिन, कुल कितना दिन लग गया, इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 6 दिन कितना जाएगी 9 दिन, कुल समय कितना लग गया 9 दिन लग गया। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, तो हम देखिए इसका डी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, वे उसे एक साथ मिलकर ₹450 में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना है, हमको ये बताना है।
तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जो अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका है ये, किसे उसे कितने दिन कर रही है, ये 12 दिन में कर रहा है, और जो बी उसी काम को कितने दिन कर रहा है, ये 15 दिन में ये कर रहा है, कार्य तो इनके सेम है, तो यहाँ से ये लोग आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए ये कट रहा है क्या, तो 4 3 3 चौक को 12 हो जाएगा और 3 5 15 हो गया। अब देखिए लोग ऐसा करते कि एबीसीडी एक साइड ला दिया जाए, तो ये यहाँ पे आएगा और इधर आएगा, तो बट्टा हो जाएगा, ए बट्टे बी हो जाएगा। अब ये 5 यहीं पे रहेगा और 4 जाके इधर बट्टा हो जाएगा। अगर कहीं बट्टा के फॉर्म में लिखा है तो लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको कैसे रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5:4। जब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। देखिए हम लोग यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, ए बी 5:5 कितना हो जाएगा, 5:4 यहाँ मिल गया, और इसी रेशियो में पैसे वो बटेंगे। पैसे कितने पैसे हैं, 450 रुपए, तो इन्हीं को बांटना है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ऐड करने के बाद हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। तो किसका पूछा, ए का हिस्सा पूछा है ना, ए वाले मिल जाएगा, बुरा कर लीजिए तो कितना 5 25 हो जाएगा, यानी ए को कितना मिलेगा, 250 रुपए मिलेगा, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए सी ऑप्शन का इसका मैच कर रहा है। सेकेंड मेथड देखा जाए, सेकेंड मेथड क्या है, ए कितने दिन में करा उसे, 12 दिन में कर रहा है, जो बी है उसे कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में, 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा कितना है, 3 चौक 12 यानी 60 आ जाएगा, ये इसका एलसीएम कितना, 60 आ जाएगा, यहां से भाग देंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, और ये 15 चौक 60। अब देखिए ए का कार्य पता चले कितना, 5 काम कर रहा है, और बी कितना काम कर रहा है, ये 4 काम, 5 और ये 4, और कितने रुपए हैं, 400 कितने, 50 रुपए हैं, और इन्हीं को बांटने, तो यहां से दोनों को ऐड किया जाए तो 9 मिल जाएगा, इससे भाग देंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये 50 बार में जाएगा, यहां से गुणा कर लिए कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा, 250 रुपए। अगर ये बी का हिस्सा पूछते हैं तो बी वाले हम ले जाए गुणा कर देते, बी वाले गुणा कर देते, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पी और क्यू क्रमशः 12 और 12 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग करेंगे यदि वे एक साथ काम करें। देखिए सेम प्रोसेस लगेगा, हम लोग पी है कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में कर रहा है, क्यू भी उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 12 ही आएगा, इससे भाग देंगे तो कितने, एक बार जाएगा, इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा। इन्होंने कहा कि कितने दिनों में परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे वो एक साथ काम करें, तो अगर ये 50% मतलब अगर ये अपने आप में 100% होगा 12 काम, तो इसका 50% का मतलब कितना हो गया, आधा, मीन्स कितना हो जाएगी, 6 काम, 6 काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, हमसे यही जानना चाहते। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 2 काम करें कि नहीं काम करें, करना कितना है, 6, तो आप भाग दे दिए तो 2 3 कितना ये 6, यानी 3 दिन लगेगा उनको परियोजना का आधा भाग करने में। तो इसका देखिए बी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा कार्य हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे लोग, यहां से ए है कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और जो बी उसी कार्य कितने दिन करने के लिए कर रहा है, 25 दिन में, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 20 हो गया और 25 हो गया। देखिए 5 इसको भी काट रहा, 5 इसको भी काट रहा, किसी को काट दे, 5 चौक को 20 हो गया, यहां से गुणा कर दे कितना है, 25 चौक को 100, तो इनके एलसीएम कितना गया, 100, यहां से भाग देंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, यहां से भाग दे 25 चौक 100 हो जाएगा। देखिए एक दिन में कितना 5 काम कर रहा है, बी एक दिन कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो पूछा कि वे दोनों मिलकर कार्य को यानी 3 दिन में कितना करेंगे, हमसे ये जानना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे दोनों का मिलाया तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये लोग दोनों मिलकर कितना, 9 काम करेंगे, तो 3 दिन को कितना जानना चाहते हैं हमसे, तो 3 दिन में ये लोग कितना काम करें, 9 3 27 है ना, ये 27 काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, 3 दिन में मिलकर कितना, 27 काम करेंगे, और ये 100 है, तो इसका प्रतिशत में जानना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कितना करेंगे, 27% इसका काम करेंगे, क्योंकि ये 100 है, इसलिए हमको बताना आसान है। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, 27 काम किया यानी कितने काम में से, इतने काम में से लोग क्या किए, इतना काम
की है। अब इसे प्रतिशत में करना है तो प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारा 27% आपका आंसर आएगा। जैसे अगर आप, मैं मान लो कि अगर आपने हाई स्कूल में कितना पाया, 350 पाया, 350 नंबर पाया 600 में से, तो प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं आप, 100 से गुणा करते हैं तभी तो आपको पता चला आपने कितना परसेंट पाया। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे तो 27% क्या होगा, कार्य समाप्त होगा 3 दिन में। तो देखिए इसका डी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक ही कार्य क्षमता, सॉरी अब देखिए यहाँ पे कार्य क्षमता आ गया तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई, तो सबसे पहले आपको कार्य क्षमता 60 में बता देता हूं ये है क्या, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कार्य क्षमता होता क्या है। चलिए आपको इसमें यही याद रखना है, जैसे अगर मैं मान लो ये ए है और ये बी है, अगर मैं ये कहूं कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो अगर बी एक काम करेगा तब तक ये कितना काम कर देगा, ये 2 काम कर देगा, यही हमारे क्या है कार्य क्षमता। अब देखिए कार्य क्षमता का उल्टा हमारा क्या होता है, समय का रेशियो होता है। अगर मैं पूछूं समय का रेशियो क्या होगा तो आप क्या करते हैं, इस रेशियो को आप पलट देंगे तो समय का रेशियो आपको पता चल जाएगा। बस आपको यही याद रखना है समय का रेशियो, कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। अगर मैं कहीं क्वेश्चन ऐसे दिया है, अगर समय का रेशियो आपको दे दे, मीन्स समय का रेशियो आपको दे दे, समय का रेशियो कितना है, 2:3 है। अगर मैं पूछूं कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा तो आप इसका उल्टा बताएंगे, तो कार्य क्षमता का हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3:2 हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है कि कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा रेशियो कार्य क्षमता होता है। अतः इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से क्या करता है, 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे ये जानना चाहते हैं। तो हम लोग सेम प्रोसेस अपना लेंगे, यह मान लो मैं ए है और ये बी है, एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अगर ये एक काम करता है तो ये कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये क्या गया इनकी कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अगर मैं पूछूं इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा, तो समय का रेशियो आप क्या बताएंगे, इसका उल्टा बताएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 1:2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, लेकिन ये समय की बात देखिए रेशियो में कितना ये कम ले रहा, वैसे तो 10 दिन कम ले रहा है समय, लेकिन रेशो में कितना कम ले रहा, हम देख रहे हैं यहाँ से एक ही रेशो समय में कम ले रहा, नहीं ले रहा, तो कह सकते हैं 1:1 बराबर ये हमारा होगा कितना, 10 दिन होगा कि नहीं होगा। ऐसा करने के बाद अगर 1:1 का मान आपको पता चल गया तो आप इसमें गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, उसी कार्य को ये 10 दिन में करेगा और ये कितना दिन करेगा, ये उसी कार्य को भी 20 दिन में करेगा। ऐसा करने के बाद पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो आपके पास 2 तरीके हैं, जो अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका आपको बता रहा हूं, देखिए हम लोग करेंगे, आप अगर ये मान लीजिए अगर कोई कार्य है, कोई कार्य ए उस कार्य को कितने दिन में करा, 10 दिन में करा, बी उस कार्य को कितने दिन में करा, 20 दिन में करा, दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे। अब ये पहला टाइप में चल गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें चला गया, ये कितने दिन में करा, ये 10 दिन में करा, और जो बी है उसे कार्य को कितने दिन करा, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन करेंगे, आप यहां से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट में बता रहा हूं। देखिए हम लोग करेंगे यहां से इनका 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम 20 आएगा। जैसे एलसीएम लेंगे आप तो हमको क्या पता चल जाएगा, ये टोटल कार्य पता चल जाएगा, है ना ये। अब देखिए अगर ये टोटल कार्य पता चल गया तो दोनों मिलकर, देखिए यहाँ पे आपको दिया कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, ये कार्य क्षमता दिया ना, एक दिन में 2 काम करा, बी एक दिन में कितना, 1 काम करा, तो दोनों मिलकर कितना, 3 काम करेंगे ना, करना कितना है 20, तो आप इससे भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, और बचे कितना, 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो हम देख रहे हैं इसका बी ऑप्शन क्या है मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, हमसे ये जानना चाहते हैं। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, अगर ये ए है और ये बी, एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, अगर बी एक काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा, क्लियर है। अब कहा क्या गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें, 14 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, ये लोग 14 दिन में कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करें कि नहीं काम करें, और 14 दिन में ये लोग कितना किए होंगे, साथ साथ कर रहे हैं, तो 14 दिन कितना हो गई, 42 दिन होगा, ये यानी सॉरी 42 काम होगा टोटल, यानी 42 काम किए होंगे ये लोग। अब हमसे ये जानना चाहते हैं
ये अकेला इससे कितने दिन समाप्त करेगा ये जाना चाहिए। अगर ये 42 काम है, अगर 42 काम मैं किसके केवल ए द्वारा कराऊं तो ये कार्य कितने दिन समाप्त करेगा हमसे ये जाना चाहते। तो देखिए यहाँ पे एक दिन में कितना काम करे, दो काम करे कि नहीं काम करे, कितना काम करे ये दो काम करे कि नहीं काम करे, करना कितना है 42, तो आप इससे इसमें भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो दो एक कम सॉरी दो दुना चार हो जाएगा, दो एक कम दो, यानी ए उसी कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा यानी इतने दिन में आपका समाप्त करेगा, 21 दिन में समाप्त करेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जहां पे तीन व्यक्ति की बात होगी। अब तक तो केवल दो ही व्यक्ति थे, आगे जो आएगा नेक्स्ट पार्ट उसमें तीन व्यक्ति की बात होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सेकेंड पार्ट भी मैं आपको इसी फॉर्मेट से बताऊंगा, जैसे मैंने बताया सेम फॉर्मेट हम लोग करेंगे और सारे क्वेश्चन एक सिक्वेंस से रहेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।